अगर मैं आपको दो विकल्प दूं, पहला विकल्प यह रहे कि आप जिंदगी को चुनेंगे और दूसरा विकल्प यह रहे कि आप मौत को चुनेंगे, तो आप कौन सा चुनना पसंद करेंगे, पहला विकल्प या दूसरा विकल्प? तो मैं बोल सकता हूँ कि आप हमेशा पहला विकल्प ही चुनेंगे जो कि जिंदगी का होगा, पर आप 8 लाख विद्यार्थियों के जीवन को दांव पर क्यों लगाना चाहते हैं, उनकी जान को दांव पर क्यों लगाना चाहते हैं? मैं बात कर रहा हूँ जेई और नीट की एग्जामिनेशन की जो 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं इनके एग्जामिनेशन की। तो सबसे बड़ी जो समस्याएं होंगी मैं उनको देखूंगा। नेशनल टेस्टिंग एकेडमी ने ये बताया है कि सेंटर को हमेशा सैनिटाइज किया जाएगा और हर एक शिफ्ट के बाद प्रॉपर सैनिटाइजिंग व्यवस्था होगी और विद्यार्थियों को जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स है उसका पालन कराया जाएगा। मींस एक कंप्यूटर छोड़ करके कुछ सामान्य दूरी पर ही उन विद्यार्थियों को बैठाया जाएगा और विद्यार्थियों को के लिए सैनिटाइजेशन और सैनिटाइजर साथ ही ग्लव्स मास्क की भी व्यवस्था करवाई जाएगी। आप अभी तक लगातार कुछ दिनों से ये देखते आ रहे होंगे कि ट्विटर हैंडल पे या ट्विटर पेज पे आपको जेई नीट पोस्टपोन और फेसबुक के अन्य पोस्टों पर जेई नीट पोस्टपोन का न्यूज मिल रहा होगा। मीन्स बहुत सारे लोग ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स लोग अपना इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट इनके जो मुहिम है वो कोई सुनना ही नहीं चाहता है। मेन रीजन यहाँ सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सरकार के पक्ष में ये कहा गया है कि जो जेई और नीट के एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो 10 तरह से सुरक्षित रहेंगे। मीन्स आपको समय समय पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी और एग्जाम सेंटर पे सभी को 1 मीटर दूर मतलब 1 कंप्यूटर छोड़ करके बैठाया जाएगा। बट कोई पक्ष में है तो कोई विपक्ष में है। पक्ष में मैं आपको बता देता हूँ, पक्ष में देख रहे होंगे आप कि पक्ष में तो बहुत सारे होंगे लेकिन विपक्ष में मतलब कि परीक्षा जो कैंसिल हो जाए ये भी बहुत कोई चाह रहे होंगे। हम परीक्षा को कैंसिल कराने की नहीं बात कर रहे हैं, हम परीक्षा को रद्द कराने की नहीं बात कर रहे हैं, हम परीक्षा को टालने की बात कर रहे हैं, हम परीक्षा को पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं। थोड़े समय के लिए ये परीक्षा पोस्टपोन हो जाए तो सभी को आराम मिल जाएगा। मीन्स मैं अगर समस्याओं पे बात करूं तो बहुत सारी समस्याएं फेस करने को इस परीक्षा को देने में बहुत सारी समस्याएं विद्यार्थी के साथ साथ गार्जियन को भी करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करते जाऊं कि क्या क्या समस्याएं हैं, तो पहली तो समस्याएं हैं ट्रांसपोर्टेशन की। अब ट्रांसपोर्टेशन में बात करूं तो मैं झारखंड को ही ले लेता हूं। तो झारखंड में जो सेंटर्स हैं वो 4 जगह सेंटर्स हैं, रांची, बोकारो, जमशेदपुर और हजारीबाग। अगर मैं 24 डिस्ट्रिक्ट्स के जो इस झारखंड में है उस झारखंड में मात्र 4 जिलों में एग्जाम के सेंटर्स बनाए हुए हैं। अगर मैं बोलूं तो बाकी जो और भी बचे डिस्ट्रिक्ट से जो विद्यार्थी हैं वो कैसे आएंगे, तो इसकी कोई व्यवस्था अभी तक की नहीं गई है। अभी तक आप जान चुके होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे सिर्फ 40% संचालन कर रहा है, मीन 40% सिर्फ ट्रेन ही चल रही है। तो बहुत परेशानी होगी छात्रों को, वो 100 से 200 किलोमीटर से रात रात को सफ़र करके आएंगे और रात को होटल में गुजारेंगे। अब जब वो रात को होटल में गुजारेंगे तो वहाँ पे संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। अब इसकी कौन गारंटी लेता है कि जो संक्रमण है वो उनको नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ दूसरे तौर पे, लेकिन पहले जो समस्याएं हैं उसकी मैं एक आधारशिला या उदाहरण देके बताता हूँ
अगर कोई बच्चा देवघर से आ रहा है, देवघर एक देवघर उप राजधानी है झारखंड का, लेकिन झारखंड में सिर्फ सेंटर बने हैं चार, मीन चार जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। अगर देवघर से आ रहा कोई भी बच्चा तो उसे 500 से 600 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ेगा। अब आप बताइए क्या ये सही रहेगा? ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों को देख करके आप सफर करना चाहेंगे? गवर्नमेंट अभी तक ये फैसला सुना नहीं चुकी है, लेकिन सरकार, हमारी झारखंड सरकार, श्री हेमंत सोरेन जी हमारे पक्ष में है और वो ये बोलते हैं सेंटर मस्ट फैसिलिटेट बाय टेकिंग मोर टाइम, अदरवाइज सेंटर विल ब्लेम स्टेट्स ऑल ओवर अगेन इफ समवन थिंग गोज रॉन्ग। तो क्या बोल रहे हैं हेमंत सोरेन जी कि सेंटर कुछ नहीं करते हैं, अगर फैसिलिटेट करते हैं मींस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं तो सारे फैसिलिटी को प्रोवाइड करें, अगर वैसा अगर नहीं करते हैं तो वो सारे जो मत्था थोप देते हैं, मींस आप जितने भी काम होते हैं वो सारे स्टेट्स की और ब्लेम कर देते हैं, स्टेट्स को ही ब्लेम कर देते हैं लास्ट में। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा तो किसकी एग्जाम में जिम्मेदारी बनेगी अगर कोई छात्र COVID-19 से संक्रमित हो जाता है? क्या परीक्षा विभाग और जो परीक्षा लेने वाली जो नेशनल टेस्टिंग एकेडमी NTA है वो जिम्मेदारी लेगी? वो जिम्मेदारी लेती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, बट ऐसा मुझे एडमिट कार्ड में तो देखने को नहीं मिला है कि वो जिम्मेदारी लेगी। इसके बाद मैं अगर राज्यों, मैं झारखंड राज्य से हूँ तो मैं झारखंड राज्य में 24 जिलों में से चार जिले में ही एग्जाम सेंटर बनाए हुए हैं। इसी तरीके से बहुत से राज्यों को देखा जाए तो सब राज्यों में ही सामान्य स्थिति है, मीन्स कोई राज्यों में अगर 28 जिले हैं, 30 जिले हैं तो मुश्किल से वहाँ 3 से 4 ही जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। तो ऐसे में विद्यार्थियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो आगे मैं बताता हूँ दूसरी परेशानी क्या है। दूसरी बड़ी परेशानी है COVID-19 के संक्रमण का खतरा, COVID-19 के संक्रमण का खतरा, जो कि आप सरकार बोलेगी कि नहीं ये सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को पालन करिए, मास्क पहनिए, आपका खतरा कम रहेगा। बट इस भारत ऐसे शहर में, ऐसे देश में अगर 135 करोड़ लोग हम लोग रहते हैं तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का बहुत अच्छे तरीके से पालन नहीं कर पाते हैं। आप देखे ही होंगे अगर आप बाजार जाते हैं या कहीं भी और जगह जाते हैं तो देखे ही होंगे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही है। तो आप कैसे विश्वास कर लेते हैं कि अगर ये एग्ज़ाम होता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? और मैं तीसरा समस्या तो नहीं बोलूँगा, ये तीसरी समस्या विद्यार्थियों को होगी, क्योंकि हाथ में आपके ग्लव्स होंगे और मुंह पर मास्क होगा तो एग्ज़ाम देने में परेशानियाँ दुगनी हो जाएगी। NTA मींस नेशनल टेस्टिंग एकेडमी का दावा है कि वह 99% छात्रों को मनपसंद सेंटर अलॉट की है। तो मैं NTA से ये पूछना चाहूँगा, अगर झारखंड में कोई छात्र देवघर का है तो उसे देवघर से एग्ज़ाम सेंटर, मींस अगर उसका सेंटर अलॉट होता है रांची, हजारीबाग या बोकारो या जमशेदपुर, तो उसे 500 से 600 किलोमीटर तक का सफ़र करना पड़ेगा, तो ऐसे में उनकी परेशानियाँ दुगनी हो जाएगी। तो क्या मैं NTA से पूछना यही चाहूँगा कि उसे क्या मनपसंद का सेंटर मिला? नहीं मिला। बहुत से पेरेंट्स ये भी बोल रहे थे कि एग्ज़ाम तो हो ही जाना चाहिए, बट मैं ऐसे पेरेंट्स की बात करूँगा जो 500 से 600 किलोमीटर तक का सफ़र करके, ऐसी परिस्थितियों में सफ़र करके आना एक परेशानी से कम नहीं है। मैं वे टू लर्न की तरफ से सरकार को, साथ ही साथ NTA नेशनल टेस्टिंग एकेडमी और हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री के मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को यही अपील करना चाहूँगा, आप जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें और ऐसी परिस्थितियों में
8.5 लाख छात्रों का साथ दे। धन्यवाद।